Hello everyone, I am Dr. Shweta Singh from JDMC and today I am going to present my topic is women in Indian society and ups and downs in the status of women in Indian society. So this topic is very controversial, very complex too, क्योंकि हमारी समाज में जो कि एक पेट्रियार्की पर बेस्ड समाज है, जहां पर महिलाओं के स्टेटस को हमेशा एक सेकेंडरी दर्जा दिया गया, लेकिन प्रश्न ये है कि जब समाज की शुरुआत हुई तो स्त्री और पुरुष जो समाज के दो महत्वपूर्ण पिलर हैं, जो एक साथ चल रहे थे, किस तरीके से सर्कमस्टेंसेस ने अपना चेंज लाया कि मेल्स सोसाइटी में सुपीरियर होते गए और महिलाएं इन्फीरियर होती गईं। तो इन टुडेज प्रेजेंटेशन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉजेज, द रीजन, द सर्कमस्टेंसेस वेयर वी कैन सी द कॉन्टिन्यूस डाउनफॉल इन द स्टेटस ऑफ वुमेन एंड राइज इन स्टेटस ऑफ मेन. दैट्स हाउ आवर सोसाइटी बिकेम पैट्रियार्कल. सो इसको जब समझने की बात आती है तो इसको जो है हमें बहुत पीछे जाकर देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जब समाज की शुरुआत हुई वहीं से हम देखते हैं कि जी अगर सबसे आप पुरानी सिविलाइजेशन की बात करो, जहां पर जो है हंटिंग पर बेस्ड सोसाइटी थी, जहां पर स्त्री और पुरुष दोनों शिकार करते थे, वहां पर दोनों ही बराबरी का दर्जा था दोनों का और दोनों ही जो है मिलकर काम करते थे. लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन सेटल डाउन होना शुरू हुए, उनकी बस्तियां बनना शुरू हुई और मैरिज का एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, वहां से हम देखते हैं कि ये स्टेटस जो है चेंज होना शुरू हो गया. अब महिलाएं घर पर रहने लगी और पुरुष काम के लिए बाहर जाने लगे. और कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जैसे कि एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसीज एंड व्हेन टेकिंग केयर ऑफ स्मॉल बेबीज, ऐसे भी महिलाएं पुरुषों पर निर्भर हो गई. तो क्या ये कारण था जिससे महिलाओं का स्टेटस डाउनफॉल होना शुरू हुआ, या फिर कुछ हमारे लॉ मेकर्स ऐसे थे जो कि उस व्यवस्था को स्थापित करना चाहते थे जहां पर महिलाएं जो है समाज में पीछे होती गई. अब मनुस्मृति को ही देख लीजिए. मनुस्मृति एक ऐसे मनु जो है एक ऐसे लॉ मेकर के नाम से जाने गए हैं जो कि इस तरीके के लॉज को बनाया उन्होंने, जो ये कहते हैं कि जीवन के हर काल में एक स्त्री को पुरुष के पराधीन रहना चाहिए, चाहे वो बेटी के रूप में हो पिता के अधीन, पत्नी के रूप में हो पति के अधीन, या फिर वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन. यानी कि वुमेन हैज नो राइट टू हैव लिबर्टी इन एनी फेज ऑफ लाइफ. तो क्या ये हमारा समाज इस तरीके के लॉ में बनाने का क्या रीजन था और क्यों महिलाओं को स्वतंत्रता नहीं देना चाहते थे? तो थोड़ा सा हम पीछे जाकर जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की. एक बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन भारतीय इतिहास में, जहां पर हमें बहुत सारी जो है जब इसकी साइट्स पर खुदाई हुई है तो बहुत सारी मदर गॉडेस की स्टैचूज निकल कर आए हैं. इतने सारे मदर गॉडेस के स्टैचू कहीं ना कहीं तो रिप्रेजेंट करते हैं कि महिलाएं जो है सोसाइटी में रिस्पेक्टेबल पोजीशन में रही होंगी, क्योंकि जनरली हम आइडल्स उन्हीं के बनाते हैं जो कि सोसाइटी में रिस्पेक्टेबल होते हैं. तो कहीं हम कह सकते हैं कि शायद जो है इस सोसाइटी में महिलाएं बहुत रिस्पेक्टेबल थी. अब हम आते हैं वैदिक पीरियड पर. तो वैदिक पीरियड पे जो है जब हम आते हैं तो यहां पर जो है हम देखेंगे कि किस तरीके का समाज है और वैदिक पीरियड पे किस तरीके की जो है सामाजिक व्यवस्था है. जब आर्य दे केम टू इंडिया दे केम एज अ इन्वेडर एंड वेमेन दे हैव
they very important, women were very important resources for them, because they were involved in fights with them. When Aryans came to India, then they have started settling down in various Indian valleys. और उस समय हम देखते हैं कि women were, they were in very good situation. अब यहाँ पर अगर हम महिलाओं के rights की बात करें, तो महिलाओं को जो है कम एज में शादी करने के हमें कहीं भी एविडेंस नहीं मिलता है. हमारे जितने भी वेद हैं वो बताते हैं कि मैच्योर एज में विवाह करने का जो है कानून लॉ था, और एक वयस्क हो जाने के बाद जो है लड़कियों का विवाह होता था, वो भी स्वयंवर के द्वारा आयोजित किया जाता था. जितना भी हमारा वैदिक टेक्स्ट है वहाँ पर स्वयंवर वर्ड कई बार आया है, जिसका मतलब यह है कि कन्याओं को अपना वर स्वयं चुनने की स्वतंत्रता थी. सोसाइटी इस टाइप की लिबरल थी, और बहुत सारी जो है प्रिंसेस के स्वयंवर का जो है कॉन्टेम्प्रेरी लिटरेचर मेंशन करता है कि राजकुमारियों ने का विवाह हुआ स्वयंवर के माध्यम से. मैरिज जो है उनके लिए कंपल्सरी प्रैक्टिस नहीं थी, इट वॉज जस्ट अ रिलीजियस प्रैक्टिस. और जो महिलाएं, जो स्त्रियां एक सर्टेन टाइम के बाद शादी नहीं करना चाहती थी और वो एज अ स्कॉलर सोसाइटी में रहना चाहती थी, उसके लिए उनको फुल फ्रीडम थी. हमारे पास एग्जाम्पल है बहुत सारी ऐसी महिलाओं के जो कि स्कॉलर महिलाएं थी, जिनका नाम बहुत ही पॉपुलर है. गार्गी, अपाला, घोषा, सिक्ता, विश्वारा, बहुत सारी महिलाएं ऐसी स्कॉलर लेडीज जिन्होंने वेदों की के सूक्तों की रचना की, और इनमें से कई महिलाएं आजीवन अविवाहित भी रही. यानी कि मैरिज जो है महिलाओं के लिए कोई कंपल्सरी या फोर्स प्रैक्टिस नहीं थी. यज्ञ प्रधान व्यवस्था थी, और यज्ञ प्रधान व्यवस्था में महिलाएं जो है पुरुष के साथ बराबरी में से पार्टिसिपेट करती थी. यानी कि जितनी भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी उसमें महिलाएं बराबरी से पुरुषों के साथ पार्टिसिपेट करती थी, और जितने भी सार्वजनिक उत्सव होते थे उसमें किसी भी तरीके से पर्दा प्रथा का उल्लेख नहीं आता है, क्योंकि वेदों के सूक्तों में, रामायण में, महाभारत में, और जितना भी कॉन्टेम्प्रेरी लिटरेचर है वो ये मेंशन करता है कि महिलाएं जो है बहुत ब्यूटीफुल ड्रेसेस पहनकर और बहुत अच्छे तरीके से जो है सभी जितने भी सार्वजनिक उत्सव होते थे जिसमें पार्टिसिपेट करती थी, जहां पर अपने इच्छा अनुसार अपने वर का भी चुनाव करती थी. दैट मीन्स अ लिबरल फ्लैक्सीबल सोसाइटी का जो है वैदिक पीरियड एक रिप्रेजेंटेशन थी, जहाँ पर महिलाओं को ऑलमोस्ट सभी अधिकार प्राप्त थे. जो कि अब मॉडर्न एज में देखते हैं, मैरिज एट मैच्योर एज, राइट ऑफ हैविंग देयर पार्टनर ऑफ देयर ओन चॉइस, प्रॉपर्टी राइट्स एंड नियोग, यानी कि संतान बहुत महत्वपूर्ण समझी जाती थी. तो अगर पति की मृत्यु हो जाए तो वो किस नियोग के माध्यम से संतान प्राप्त कर सकती थी. सोसाइटी इस तरीके का एक लिबरल जो है अपना एक लिबरल व्यवस्था में चल रही थी. और इस समय प्रॉपर्टी राइट्स जो है, क्योंकि जो लैंड एज अ प्रॉपर्टी तो उस वक्त बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन महिलाओं को स्त्रीधन एज अ प्रॉपर्टी अपनी वो रख सकती थी, जो कि स्त्रीधन होता था जो विवाह के समय में कन्या को दोनों पक्षों के साइड से मिलता था. उस स्त्रीधन पर महिला का कंप्लीटली अधिकार होता था, जिसे वो अपने पास रख सकती थी, और इस पर उनका अपना अधिकार होता था. तो ये तो हम कुछ बात करते हैं वैदिक पीरियड की, और वैदिक पीरियड को हम एक महिलाओं के अधिकार की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण और खूबसूरत पीरियड के रूप में देखते हैं. लेकिन हम देखते हैं क्या ये परिस्थिति हमें कंटिन्यू रही, आगे आने वाली फेजेस में क्या हुआ, इसमें बदलाव हुआ, इसमें चेंज आया, ये सोसाइटी एज इट इज रही. तो हम बात करेंगे पोस्ट वैदिक पीरियड. क्या पोस्ट वैदिक पीरियड, जिसे हम हिस्ट्री में प्लेस करते हैं 1000 BC से 600 BC के आसपास, तो इस समय तक आते आते हम देखते हैं कि क्या बदलाव आया समाज में. मनुस्मृति का एक सूक्त ये कहता है कि कन्याओं के जन्म पर चिंता व्यक्त की जाने लगी. यानी कि लेटर वैदिक पीरियड तक आते आते अब कन्याओं का जन्म उतनी प्रसन्नता का विषय नहीं रहा. और जितने भी ऋग्वेद वेद के लेटर फेज में फॉर्म हुए सूक्त है वो क्या कहते हैं
कि पुत्रों के जन्म की कामना की गई जो कि आगे चलकर योद्धा बन सके। एक और बात यहां पर मैं कहना चाहूंगी कि जो हम देखते हैं कि महिलाओं का स्टेटस जो है कॉन्टिन्यूस डिक्लाइन कर रहा था और मेल्स का स्टेटस राइज कर रहा था, इसके पीछे कुछ सोशल प्रैक्टिसेस भी रिस्पॉन्सिबल थे। ये सोशल प्रैक्टिसेस क्या थे? दो तीन ऐसी प्रथाएं जैसे कि अंतिम संस्कार करने का जो अधिकार पुत्र को दिया गया, ठीक है, उसकी वजह से पुत्र समाज में महत्वपूर्ण होते गए, और पिंडदान करने का अधिकार जो पुत्रों को दिया गया, इसकी वजह से भी परिवार में पुत्र का महत्व बढ़ता गया। और एट द सेम टाइम आफ्टर अटेनिंग मैच्योरिटी गर्ल वॉज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ अनदर फैमिली। तो लड़कियां जो है वो अपने परिवार का रिसोर्स नहीं समझी जा रही थी, एक सर्टेन टाइम के बाद उन्हें दूसरे परिवार का भाग बन जाना था। इस कॉन्सेप्ट ने महिला का स्टेटस या लड़की का जो स्टेटस था वो परिवार में इससे कम होना शुरू हुआ, और पुत्र जो है वो परिवार में प्रभावी होता गया। इसी से जो है हम देखते हैं कि हाउ पेट्रियार्की वॉज टेकिंग शेप, पेट्रियार्की किस तरीके से शेप ले रही थी उस व्यवस्था को हम देखते हैं। जैसे जैसे हमारा समाज में रिचुअल्स फॉर्म होते गए, वैसे वैसे समाज में हम देखते हैं पुत्री का महत्व कम होते जा रहा था, पुत्र का महत्व बढ़ते जा रहा था। यहां तक कि कुछ वेदों के कुछ सूक्त इशारा भी करते हैं कि पुत्रों के जन्म की कामना की जाती थी, और जिससे कि समाज को योद्धा मिल सके जो कि युद्ध में पार्टिसिपेट कर सके। लेकिन अभी भी हम लेटर वैदिक काल तक भी बहुत सारी चीजें समाज में नहीं देखते हैं, जैसे कि हम सती का उल्लेख नहीं देखते हैं, बाल विवाह का उल्लेख भी नहीं देखते हैं, क्योंकि महाभारत जो कि लेटर वैदिक पीरियड से संबंधित है इसमें हम कहीं भी बाल विवाह नहीं देखते हैं। और सती के बारे में मैं आपको बताऊं, अभी तक सती प्रथा समाज में एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, और कर रही थी तो सिंबॉलिकली एग्जिस्ट कर रही थी। कैसे? अब आप रामायण का एविडेंस देते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राजा दशरथ की मृत्यु के बाद उनकी तीनों रानियां जीवित रहती हैं, और जहां पर इस प्रथा को बढ़ाने के लिए कौशल्या जब राजा दशरथ के साथ चिता पर बैठती हैं, तो जितने भी समाज के लोग हैं वो आग्रह करते हैं कि हे देवी आप इस मृत्यु लोक में वापस आइए। तो यानी कि शायद हम कह सकते हैं कि सती प्रथा थी, लेकिन वो सिंबॉलिक थी, और सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं आता है, क्योंकि लंका में भी हम रावण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी मंदोदरी को जीवित पाते हैं। महाभारत काल तक आते आते इसमें स्लाइड चेंज आता है, यानी कि अब ये वॉलेंटियर प्रैक्टिस बन गई थी। जैसे कि यहां पर मैं उल्लेख करूं कि जब पांडु की मृत्यु होती है तो पांडु की दो पत्नियां हैं, कुंती और माद्री, जिसमें कुंती जो है वो वर्डली रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जीवित रहती हैं, और वहीं माद्री जो है वो पांडु के साथ सती हो जाती है। यानी कि नाउ इट हैज बिकम अ वॉलेंटियर प्रैक्टिस, जहां पर स्त्री को अपना इच्छानुसार चुनाव कर सकती थी कि वो सती होना चाहती थी या नहीं होना चाहती थी। यानी कि समाज की जो प्रथाएं थी या रिचुअल्स थी वो जैसे जैसे हम समय में आगे बढ़ते जा रहे थे कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स होती जा रही थी इस तरीके से। यानी कि लेकिन लेटर वैदिक पीरियड तक हम ये देखते हैं कि कम से कम बाल विवाह नहीं है, सती प्रथा एक फोर्स प्रैक्टिस नहीं है, राजकुमारियां जो हैं उनको युद्ध की शिक्षा दी जा रही है, अभी तक भी महिलाओं की स्थिति बेहतर है, और कुछ विदुषी महिलाओं के नाम जो है इस समय एग्जिस्टेंस में आते हैं, जिनका मैंने पहले भी नाम लिया। पोजीशन ऑफ विमेन इन एपिक पीरियड, एपिक पीरियड जिसकी मैंने अभी चर्चा भी कर रही थी, रामायण काल और महाभारत काल, रामायण काल और महाभारत काल दोनों में महिलाओं की स्थिति की हम चर्चा करेंगे। अब जहां पर आप देखिए कि कन्या को महत्व समाज में कितना मिलता है, सीता
She was an abandoned baby. She was found by the king Janaka. और जनक के नाम से जो है जनक सुता जानी जाती है. जनक उनको राजसी ट्रीटमेंट देकर सभी तरीके की विद्याएं सिखाकर राजकुमारी की तरह पालन पोषण करते हैं. और यहाँ पर कन्या का महत्व दिखाया गया है कि अभी कन्याएं जो है परिवार का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है. इसी तरीके से उनकी तीनों बहनों की भी शिक्षा दीक्षा सभी तरीके से शिक्षाओं से निपुण है. और इसी तरीके से हम देखते हैं कि एपिक पीरियड में हम और भी महिलाओं की चर्चा करते हैं. अनुसुईया देवी हैं, इसके अलावा दशरथ की तीनों रानियां हैं, जिसमें केकई का उल्लेख आता है, जहां पर दशासुर संग्राम के समय में केकई किस तरीके से युद्ध के मैदान से जो है रथ चलाते हुए राजा दशरथ को वापस ले आती है, वहां से युद्ध से निकाल लेती है और अपने रिसोर्सफुलनेस से उनका ट्रीटमेंट करती है. तो यानी कि इससे इंडिकेशन ये दे रहा है कि महिलाओं को जो है धनुर्विद्या युद्ध की शिक्षा दी जाती थी और साथ ही वेदों की शिक्षा भी दी जाती थी. और कई जगह हमें ऐसा एविडेंस भी मिला है जहाँ पे महिलाएं राज कार्य भी कर रही थी. बहुत सारी ऐसी रानियों का उल्लेख आया है. सातवाहन काल की कई रानियां हैं जो कि शासन करते हुए जो है दिखाई गई हैं. और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं. अब स्टेटस ऑफ वेमेन इन तमिलकम फ्रॉम 300 to 800 BC. अब जो हम लोगों ने अभी चर्चा की ये उत्तर भारत में हम महिलाओं की स्थिति की चर्चा कर रहे हैं, साथ ही साथ हम दक्षिण भारत में देखेंगे कि समकालीन कॉन्टेम्प्रेरी महिलाओं की क्या स्थिति रही है, उनकी किस प्रकार का वहाँ समाज है और उस समाज में महिलाओं की किस तरीके की परिस्थिति रही है. तो जब हम दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि शुरू की जो 3 सेंचुरी है BC जहाँ पर एंड हो रहा है और AD स्टार्ट हो रहा है, जो 300 साल है, तो वो 300 सालों के बारे में जो हमें उल्लेख मिलता है वहाँ का जो लिटरेचर है, शिल्पादि कारम, मणि मेखले, इन सभी से जो है हमें उस समाज के बारे में पता चलता है. चूंकि वॉर बेस्ड सोसाइटी है तो डेफिनेटली जो है योद्धा पुत्रों की कामना तो की गई है, लेकिन लड़कियों का, महिलाओं का भी समाज में बहुत महत्व है. लड़कियों को जो है इस समय उनमें बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज, वर्च्यूज की जो है कहा गया कि इस तरीके की वर्च्यूज जो है लड़कियों में होने चाहिए, यानी कि बहुत सारी शिक्षाओं में, बहुत सारे लिटरेचर में, कलाओं में जो है महिलाएं निपुण होनी चाहिए. तो इस तरीके की महिलाओं की बात की गई है. और शिल्पादिकारम और मणिमेखले, ये दो एपिक जो है इनकी जो नायिकाएं हैं उसमें जो है हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है त्याग की भावना या किस तरीके से समर्पण की भावना जो दिखाई गई है, तो वो समाज के सामने एक प्रदर्शन है कि महिलाओं की से किस तरीके की एक्सपेक्टेशन थी समाज को. और जनरली जो महिलाओं का सबसे महत्वपूर्ण काम माना गया है वो माना गया कि योद्धा पुत्रों को जन्म देना. और इस समय के ये सोसाइटी अब जो है इस तरीके की बन चुकी थी जहां पर पुत्रों के जन्म को जन्म देने वाली महिलाओं को समाज में अधिक महत्व प्राप्त था. तो ये तो थी कि हम देखते हैं कि इस तरीके से एंशियंट इंडिया में महिलाओं की क्या स्थिति थी. अब एंशियंट इंडिया के बाद हम जब मूव करते हैं तो उसके बाद जो है हम देखते हैं कि किस तरीके से मध्यकाल के पहले राजपूत काल आता है. तो राजपूत काल में जो है हम महिलाओं की स्थिति की चर्चा करेंगे कि राजपूत काल में जो है महिलाओं की स्थिति की किस तरह क्या चर्चा थी, क्या क्या अब उनकी समाज में जो है किस तरीके से जो है उनका परिस्थितियां चेंज हुई, उन परिस्थितियों में किस तरीके से जो है उनके साथ उनके उनको लेकर जो प्रथाएं थी, जो कस्टम रिचुअल्स, वो किस तरीके से बदले गए, उसमें किस तरीके से चेंज आया. तो ये जो प्रथाएं थी, तो हम जब मिडिवल पीरियड की तरफ मूव करते हैं यानी कि राजपूत पीरियड, तो स्पेशली हम बात करेंगे 800 AD से 1200 AD के बीच में. तो बेसिकली ये अर्ली मिडिवल पीरियड माना जाता है. तो इस अर्ली पीरियड तक आते आते हम देखते हैं कि सोसाइटी में महिलाओं की स्थिति पहले से काफी
खराब हो चुकी है, महिलाओं की स्थिति में काफी गिरावट आ चुकी है। उसका रीजन ये है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत से लगातार अटैक्स हो रहे थे और इन अटैक्स को काउंटर करने के साथ साथ भारत में जो है नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस की तरफ से जो है उस तरफ से भारत में एंट्रेंस हो रहा था। और इस समय जो है हम देखते हैं कि बाल विवाह, सती प्रथा, जौहर प्रथा, महिलाओं में अशिक्षा, ये सभी जो रीति रिवाज थे ये फुल फ्लेश फॉर्म में सोसाइटी में दिखाई पड़ते हैं। रीजन क्या था? अब देखिए यहाँ पे कर्नल टॉड की एक बुक है एंटीक्विटीज एंड एनल्स ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान के उन प्रथाओं की तरफ इंडिकेशन करता है, जो बताता है कि किस तरीके से जो है कन्याओं को समाज में अभिशाप समझा जाने लगा। रीजन क्या था? रीजन ये था कि राजपूत जो है अपने सम्मान के लिए समाज में प्रचलित थे, कन्याओं का जन्म यानी कि उनके विवाह के लिए दूसरे वंश के सामने सिर झुकाना, इसको नहीं करना पड़े इसके लिए राजपूत फीमेल इन्फेंटिसाइड की प्रैक्टिस जो है बहुत प्रचलित हो गई थी, यानी कन्याओं को जन्म लेते ही उनको मार देना, इसके लिए बहुत क्रूएल प्रैक्टिसेस जो है समाज में की गई, यानी कि पैदा होते ही मिट्टी में गाड़ देना या नदी में बहा देना, इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है हम उस समय देखते हैं। अगर इसके बाद भी बच गई तो उसके बाद अन्य बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी जो कि उनके लिए बहुत ही मुश्किल थी। सोसाइटी पॉलीगैमस होती जा रही थी, यानी कि पॉलीगैमी जो है समाज में एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस थी, और समाज का जितना भी एलीट क्लास था उनमें पॉलीगैमी बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस थी, जहां पर पुरुष एक से अधिक विवाह करते थे। ऐसे में महिलाओं के लिए किसी भी तरीके की स्वतंत्रता या एक अच्छा जीवन उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। तो सोसाइटी उस तरीके से मूव ऑन कर रही थी और ये चेंजेस हम देखते हैं। एक जो हम सबसे बड़ा चेंज देखते हैं कि सती प्रथा जो है वो फुल फ्लेश फॉर्म में डेवलप हो चुकी थी। उसका रीजन क्या था? इट वाज अ टाइम पीरियड ऑफ वॉर एंड बैटल्स, युद्धों का टाइम पीरियड था, और युद्ध लड़ने के लिए जब सेनाएं जाती थी तो उसके बाद जो है कई बार मोस्टली जब पति जीवित नहीं है तो महिला को कोई ऐसा विकल्प नहीं मिलता था, ऐसे में जो है वो सती होना जो है ज्यादा प्रेफर करती थी। दूसरा एक और था कि समाज का जितना भी नियम कानून था ये महिलाओं के लिए इतना कड़े रूल्स थे, स्पेशली विडोज के लिए, जिसके लिए महिलाएं जीवित रहने से ज्यादा जो है वो मृत्यु को गले लगाना पसंद करती। रीजन था विधवाओं के लिए मुंडन प्रथा, उनको सफेद वस्त्र पहनना, उनको दिन में एक समय भोजन करना, उनको जो परिवार से अलग रखना, उनको किसी भी शुभ कार्य में शामिल ना होने देना, और उनका उनकी सामाजिक अवहेलना। और कई परिवार ऐसे भी थे जो अपने परिवार की विधवाओं को त्याग देते थे, जो उस समय हम देखते हैं कि बनारसी और मथुरा में ऐसी महिलाएं बहुत सारी होती थी। तो ऐसे घृणास्पद जीवन को जीने से अच्छा महिलाएं सती होना ही प्रेफर कर लेती थी। तो ऐसे में मध्यकाल वैसे भी युद्धों का ही टाइम पीरियड था, तो उस टाइम पीरियड में स्त्रियों की दशा पहले से भी और बहुत खराब हो गई थी। उनके जो अधिकार वैदिक काल में देखते हैं कि उनको शिक्षा का अधिकार था, क्योंकि बाल विवाह हो रहे थे, 8 से 10 साल की बच्चियों का विवाह होता था, तो ऐसे में शिक्षा प्राप्त करने का तो कोई टाइम ही नहीं था, ना ही उनको समय मिलता था, और शिक्षा प्राप्त करने की आयु से पहले ही उनका विवाह हो जाता था। तो ऐसे में जो है अशिक्षित रह जाती थी, और उनको जो है सती प्रथा, जौहर प्रथा, विधवा जीवन की समस्याएं, तो महिलाओं के लिए जीवन इस समय जो है बहुत अभिशप्त हो चुका था। अगर आप हिंदू समाज की तो हम बात कर ही रहे हैं, और मुस्लिम समाज में भी देखिए, मुस्लिम समाज में भी कुछ इसी तरीके की परिस्थितियां थी, जो महिलाएं अगर अपने परिवार में के लोगों को प्रसन्न नहीं रख पाती थी तो डिवोर्स एक बहुत ही इजी प्रैक्टिस थी मुस्लिम समाज में भी, और हिंदू समाज में तो विवाह विच्छेद करने का अधिकार जो है महिलाओं को नहीं था, मुस्लिम समाज में दोनों को था, लेकिन जनरली जो है इस चीज की विक्टिम महिलाएं ही बनती थी।
एजुकेशन ऑफ वुमेन, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि शिक्षा, महिलाओं की अशिक्षा उनकी सबसे बड़ी समस्या थी, और अशिक्षित महिलाएं किसी भी तरीके से समाज को एक बहुत सुंदर नहीं बना सकती थी, और समाज की प्रथाएं उस तरीके की हो गई थी जो कि उनको अशिक्षा की तरफ ले गई थी। और दूसरा, मैरिज एंड डिवोर्स, अगर हम बात करें हिंदू समाज की, तो हिंदू समाज में किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो मनुस्मृति हो या फिर कॉन्टेम्प्रेरी और लिटरेचर जितना भी हो, उठाकर देख लीजिए, ऐसे में वहाँ विवाह विच्छेद जैसा कोई वर्ड नहीं आता है, लेकिन पुरुष चाहे तो अपनी पत्नी को छोड़ सकता था, पर जीवन की किसी भी परिस्थिति में एक महिला को अपने पति का त्याग करने की अनुमति नहीं थी। हर परिस्थिति में महिला को उसके साथ रहना होता था, लेकिन वहीं पर पुरुषों को यह अधिकार था कि वो अपनी पत्नी को छोड़ सकते थे। और मुस्लिम समाज में भी ये राइट जो है पुरुषों के द्वारा ही मोस्टली एक्सरसाइज किया जाता था, क्योंकि महिलाएं ना तो उनको संपत्ति संबंधी अधिकार थे और ना ही उनको शिक्षा संबंधी अधिकार थे, जिससे कि वो किसी भी तरीके से समाज में जो है अपनी आवाज उठा सकती, तो ऐसे में उनकी वॉइस का कोई मतलब नहीं था। सल्तनत काल में और मुगल काल में कुछ महिलाएं ऐसी थी जो कि काफी महत्वपूर्ण थी, लेकिन वो राजकुमारियां थी, जैसे कि रजिया सुल्ताना का नाम आता है, या नूरजहां का नाम आता है, या मुमताज महल का नाम आता है, जेवनुसा का नाम आता है, तो ऐसी महिलाएं बहुत कम थी। और ये महिलाएं जो हैं समाज की इलीट महिलाएं थी, और इन महिलाओं का समाज में एक दूसरे ही तरीके का दबदबा था। अब जहां रजिया सुल्ताना का हम एक एग्जाम्पल उठाकर देखते हैं कि रजिया सुल्ताना जो कि इल्तुतमिश की डॉटर थी, तो ऐसे में इल्तुतमिश का there was no son who was capable to be a king, then Iltutmish he decided that Rajiya Sultana will hold the throne. लेकिन ये contemporary जितने भी अमीर वर्ग थे उनको रजिया सुल्ताना का शासिका बनना नहीं पसंद आया, और ऐसे में रजिया सुल्ताना का 3 साल का जो शासन काल था वो बहुत ही ज्यादा अप्स एंड डाउन्स का रहा, और फाइनली जो है उनको उनका जो है उनकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद जो है उनका शासन खत्म हो गया। इसी तरीके से जो है हम और महिलाओं के बारे में देखते हैं, जैसे कि नूरजहां जो है काफी प्रभावशाली महिला थी, और जहांगीर एक सिंबॉलिक शासक था उस समय, जो है नूरजहां काफी प्रभावशाली थी। और इसी तरीके से जो है हम अन्य महिलाओं की बात करते हैं। अब नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो टैक्सेस ऑन मैरिज। देखिए, टैक्सेस ऑन मैरिज जो है, अब मैरिज पर लगने वाला टैक्स अकबर के समय में, चूंकि हम मुगल पीरियड की जब बात करते हैं, तो महिला तो मैरिज पर जो है टैक्स लगता था, और ये टैक्स मराठा पीरियड में भी लगता था। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि ओवरऑल हम मिला जुला कर कहें, तो हम अगर आप देखेंगे कि जब हम बात करते हैं वैदिक काल से मध्य काल की तरफ आते हुए, तो हमें यहाँ पर जो है महिलाओं के जो राइट्स हैं, जो बेसिक राइट्स हैं, चाहे वो एजुकेशन का राइट है, चाहे उनके मैरिटल राइट्स हैं, चाहे उनके प्रॉपर्टी के राइट्स हैं, इन सभी में गिरावट आते हुए देखते हैं। सती प्रथा जौहर अपने फुल फ्लेज फॉर्म तक पहुंच जाती है, और महिलाओं को जो है बहुत सारी जो है क्रूएल प्रैक्टिसेस का शिकार करना बनना पड़ता है, यानी कि हम देखते हैं कि महिलाओं का स्टेटस कॉन्टिन्यूस डिक्लाइन कर रहा है। बेसिकली जो मिडिवल पीरियड का एंड वाला जो टाइम पीरियड है, इट वॉज कंसिडर्ड एज अ डार्क एज, बिल्कुल डार्क एज माना गया महिलाओं के अधिकारों को लेकर, किसी भी तरीके का उनको राइट नहीं था, और उनकी सिचुएशन जो है बिल्कुल डाउनफॉल हो चुकी थी। और अब हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियड की। मॉडर्न पीरियड कहाँ से शुरू होता है? मॉडर्न पीरियड बेसिकली भारत में हम मानेंगे उस समय से जब 1857 की क्रांति हो जाती है। तो बेसिकली हम इस चीज को लेकर चलते हैं कि जब मुगलों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगलों के शासनकाल में ही भारत आती है, और धीरे धीरे भारत में चारों तरफ पैर हाथ फैलाती है, और उसके बाद जो है फाइनली मुगलों को रिप्लेस करके ईस्ट इंडिया कंपनी दिल्ली पर अपना शासन स्थापित कर लेती है। उसके बाद इनिशियल कुछ इयर्स भारत की व्यवस्था में किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं करती है। रीजन कि भारत की रिलीजियस व्यवस्था से छेड़छाड़ नहीं करना चाहती है।
लेकिन जब लंबे समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन करना ही पड़ता है और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से ये ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला जाता है, तो कहीं ना कहीं अभी ब्रिटिश सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि भारत की जिन प्रथाओं की, जिन क्रूएल प्रैक्टिसेस की चर्चा पूरे विश्व में होती है, उनको कहीं ना कहीं जो है चेंज किया जाए या फिर कहीं ना कहीं उनमें इंटरवेंशन किया जाए। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने जब इंडिया को कॉलोनाइज किया तो कहीं ना कहीं तो उन्होंने ये मैसेज पूरे वर्ल्ड को दिया था कि भारत को कॉलोनाइज करने का जो उनका मेन एजेंडा है वो ये है कि हम अनसिविलाइज्ड लोगों को सिविलाइज्ड बनाना चाहते हैं। तो जब उन लोगों ने पूरे वर्ल्ड में इस तरीके का मैसेज दे दिया तो इंडिया में जो ब्रूटल प्रैक्टिसेस थी सती और जौहर, तो कहीं ना कहीं तो उनको चेंज करना ही था या नियम कानून बनाना ही था। बेशक इसके लिए आवाज भारतीयों ने ही उठाई, राजा राम मोहन रॉय जो है इंडियन रेनिसा के मेन प्रमुख, ही वॉज द फादर ऑफ द इंडियन रेनिसा। खुद उन्होंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया जब घर में उनकी भाभी को सती होना पड़ा और उस समय जो है उन्होंने ये, ही वॉज डिटरमाइंड कि वो सती को किसी ना किसी तरीके से बैन करेंगे। इसके लिए उन्होंने बंगाल में पहले आवाज उठाई और 1828 में जो है उन्होंने इसके लिए जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की। और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं उनके ही प्रयासों से 1829 में लॉ बनाकर सती को प्रोहिबिट किया गया। इसी तरीके से आगे चलकर ईश्वरचंद विद्यासागर, विधवाओं की स्थिति बहुत खराब थी, कम उम्र की बच्चियों का विवाह अधिक उम्र के पुरुषों से कर दिया जाता था। बंगाल में, राजपूताना में और भारत में के अन्य भागों में ये प्रथा बहुत प्रचलित थी। तो ऐसे में उन बच्चियों का क्या हो जो कि बिना किसी दोष के ऐसा जीवन जी रही थी और शिक्षित नहीं होती थी तो कोई और भी ऑप्शन नहीं था। तो ऐसे में इन विधवाओं को फिर से विवाह करने का अधिकार मिले, इसके लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अभियान चलाया। 1856 में उनके प्रेशर से विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ। तो ये दो मेजर ऐसे एक्ट थे जिन्होंने भारतीय महिलाओं के लिए संवैधानिक सुधार की वो व्यवस्था की शुरुआत की जो कि हिंदू कोर्ट बिल तक चलती रही। और हिंदू कोर्ट बिल ने, ये बहुत लंबी जर्नी है जहां पर हम देखते हैं कि सालों तक महिलाओं ने संघर्ष किया अपने अधिकारों के लिए। किन अधिकारों के लिए? विवाह की उम्र अधिक करने के लिए, संपत्ति में अधिकार के लिए, डिवोर्स का राइट महिलाओं को भी मिले, महिलाओं को क्यों ना हो, विवाह की एज अधिक होने के लिए, वोटिंग राइट के लिए, सती प्रथा को बैन करने के लिए, मैरिटल राइट्स के लिए। तो बहुत बहुत लंबा जो ये अभियान चला। तो इसके बाद जो है देखते हैं हिंदू कोड बिल हमारा पास हुआ 1956 में, जबकि हम स्वतंत्र हुए ही थे और ये संविधान का पार्ट था। और हिंदू कोड बिल जो है 4 एक्ट्स के भी फॉर्म में पास हुआ, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू प्रॉपर्टी एक्ट, हिंदू मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट एंड हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। तो ये 4 एक्ट के रूप में जो है हिंदू कोड बिल पास हुआ, जिससे हिंदू मैरिज की, लड़कियों की मैरिज एज 18 ईयर्स फिक्स हुई, उनको डिवोर्स का राइट मिला, लॉ बना कि एक पुरुष की एक पत्नी, यानी नो बडी कैन मैरी इन द लाइफ टाइम ऑफ वन स्पाउस, महिलाओं को प्रॉपर्टी में राइट मिला, महिलाओं को एडॉप्शन का राइट मिला और मेंटेनेंस का भी राइट मिला। तो एक बहुत बड़ा जो रिफॉर्म था और इस रिफॉर्म तक पहुंचने में महिलाओं ने सालों तक स्ट्रगल किया, पहले पुरुषों ने स्ट्रगल किया, बाद में महिलाओं ने उस स्ट्रगल को खुद से आगे बढ़ाया और फाइनली जो है बहुत सारे नियम कानून बनते हुए आज हम 2024 में हैं, जहां पर आज हम सभी महिलाएं हर कार्य क्षेत्र में बराबरी की हिस्सेदार है और सभी कार्य क्षेत्र से अपनी आवाज बुलंद कर रही है। इस लंबी यात्रा में महिलाओं के स्टेटस में
बहुत सारे अप्स डाउन्स आए, और लेकिन मेरा ये मानना है कि जो अधिकार मिले हैं उनका सदुपयोग होना चाहिए, उनका सही तरीके से यूज होना चाहिए, और महिलाओं को अपने आप को सशक्त बनाना चाहिए। थैंक यू सो मच।